हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड स्वागत है आपको इस चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। जैसे कि दोस्तों, आप अपने फोटो में ब्लैक टोन कैसे दे सकते हो एंड साथ ही साथ आप अपने फोटो को HDR कैसे बना सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह का एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं RKPS फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और इस वाले फोटो को हम एडिट करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आप इसको स्नैपसीड ऐप के अंदर पहले हम शेयर कर लेंगे। यहाँ से आपको शेयर कर लेना है और वीडियो पे आप स्टेप बाय स्टेप बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है टोन इमेज, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद अपने उंगली को यहाँ पे डिस्प्ले पे रखना है और ऊपर की तरह इस तरह स्वाइप अप कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इमेज का, इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर से आपको ऊपर जाना है और शैडो को भी थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से आपको राइट कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, हम टूल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिलेक्टिव टूल का, ठीक है, इसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके फेस पे जहाँ भी ब्लैक है ना, वहाँ पे ले आकर छोड़ देना है। इस तरह से दोनों उंगली से छोटा करके थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर से ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी ब्लैक है तो यहाँ पे ले जाएंगे, छोड़ेंगे और इस तरह से दोनों उंगली से छोटा करके इस तरह से बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी ब्लैक है यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ले आकर के छोड़ देना है। छोड़ करके इस तरह से आपको बढ़ा लेना है तो वहाँ का जो एरिया है ना वाइट हो जाएगा, वहाँ पर लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सिंपली कर लेना है जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फेस में ना लाइट दे सकते हो। तो उसके बाद देने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टोटल कंट्रास्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोटो में कुछ चेंजिंग आएगी, थोड़ा सा आपको इसको कम कर लेना है। जितने भी हाईलाइट्स मीडियम टोन है इसको भी थोड़ा सा आपको कम करना है, लो टोन्स को भी थोड़ा सा आपको कम करना है और यहाँ से राइट करेंगे। दोस्तों, राइट करने के बाद यहाँ पे हम शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम ऑयल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटरूम के अंदर हम इसको LR के अंदर शेयर कर लेंगे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये मेरा फोटो जो है लाइटरूम ऑयल के अंदर इनपुट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल फोटोज़ के अंदर मेरा फोटो जो है यहाँ पे इनपुट हो गया, यानी कि मैं जिस फोटो को शेयर किया था वो फोटो मेरा आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको चले जाना यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे मिक्स टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपके बैकग्राउंड, आपके जितना भी बैकग्राउंड है ना सबको ब्लैक करना है। तो सिंपली ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ना इसके सेचुरेशन को बिल्कुल कम कर देंगे, ह्यू को भी कम कर देंगे। फिर से येलो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके भी ह्यू और सेचुरेशन दोनों को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये चीज़ देखना है कि भाई अभी भी साइड साइड में रेड रेड से आ रहा है। तो सिंपली आपको पहले अपने फेस के कलर को चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके यहाँ पे कम करेंगे सेचुरेशन को और इसके लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से कर लेना है डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी इसको भी हमें ब्लैक करना है, रिबन जो लगा हुआ है पट्टी इसको भी ब्लैक करने के लिए आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है और इसके भी इसको हम कम कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे अब डन। डन करने के बाद आपको क्लियरिटी इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियरिटी को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, इतना बढ़ाना है, टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद बाकी मेरा फेस जो है ख़राब हो गया है, देख लीजिए, इसको हम बहुत ही अच्छा बनाने वाला है। तो सिंपली आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करके यहाँ पे शार्पन को बढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, हम इस फोटो को ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में, जहाँ पर मैं अपने फेस को बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ तक बने हैं तो वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो सिंपली यहाँ पर शेयर टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑटोडेस्क स्केच बुक, उसमें हम इस फोटो को ओपन करेंगे। आप चाहे तो सेव करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑटोडेस्क के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि क्या क्या करना होता है फेस को बनाने के लिए। तो सिंपली पहले अपने फेस को मैं स्मूथ करने वाला हूँ, तो स्मूथ करने के लिए आपको ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसमें ये वाला ब्रश चूज करना है, स्मज ब्रश। ठीक है, ये वाला आप नीचे जाएगा तो स्मज का एक टूल मिलेगा, उसमें ये वाला ब्रश मिलेगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग को यहाँ पे 8 रखना है, ठीक है, और इसको फॉलो को आपको 5 रखना है और इतना रखने के बाद यहाँ से क्रॉस कीजिएगा। क्रॉस करने के बाद अपने फोटो को इस तरह से घुमा घुमा करके यहाँ से जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस पे पेंट करना है। ठीक है, तो जहाँ ब्लैक है ब्लैक में पेंट कीजिएगा, वाइट है तो वाइट में आपको पेंट कर लेना है। इस तरह से घुमा घुमा करके जहाँ भी आपका हाथ बैलेंस मतलब बढ़िया होना चाहिए तो आपका फेस काफ़ी बढ़िया से स्मूथ हो जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके फटाफट से कर ले रहा हूँ।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको स्मूथ कर लिया। उसके बाद आपको अपने फेस पे कलर चढ़ाना है, यानी अपने फेस को और ज़्यादा गोरा बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक एंटी लेयर लेना है, ठीक है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे एक मेरे भाई कमेंट किए थे कि भैया मेरे में कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये जो कॉपी का ऑप्शन है ना ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी कॉपी का ऑप्शन नहीं आया तो सिंपली आपको इस वाले ब्रश पर क्लिक करना है, साइड में जो ब्रश है ना इस पर क्लिक करना है, और इस तरीका से आपको क्या करना है अपने फेस का सबसे जहाँ पे ज़्यादा गोरा होगा ना वहाँ पे ले जाकर इस तरह से मिडिल पार्ट्स को मतलब बीच वाले चीज़ को ले जाकर छोड़ देना है, जहाँ भी आपका फेस सबसे ज़्यादा गोरा है, जैसे यहाँ पे मेरा गोरा है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे लेकर छोड़ देंगे। तो ऑटोमेटिक एक कलर सेलेक्ट कर लिया, जो भी मतलब आपके फेस में जैसा गोरापन चाहिए वो चीज़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके नॉर्मल को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट में, ठीक है। चेंज करने के बाद अब आपको ब्रश कौन सा लेना है, तो ब्रश पर जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, और आपको ब्रश ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला ब्रश आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्रॉस करना है, और इस तरीका से आपने फेस पे पेंट करना है। अब अपने ब्रश के साइज को इस तरीका से थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, और सिंपली आपको अपने बाल पे नहीं करना है, बाल के साइड साइड में मतलब जहाँ भी आपका फेस दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गोरा हो रहा है मेरा फेस, और काफ़ी बढ़िया यहाँ से हो रहा है। कॉपी का ऑप्शन नहीं था तो मैं सिंपली आपको एक ट्रिक बताया जिससे आप अपने फेस को और ज़्यादा गोरा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके फटाफट से पेंट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको पेंट कर लिया, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी घटिया सा लग रहा है। तो सिंपली आपको बिंदी वाले नीचे बिंदी का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ना आपको यहाँ पे 50 के अप्रॉक्स रख लेना अपने अपोसिटी को 50 तक, और इस थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरीका से आपको साइड साइड में चलाना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो लाइनिंग सा दिख रहा था ना वो मैच हो जाएगा, और आपका फ़ोटो रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी आपने इस ब्रश को अप्लाई किया ना वहाँ पे इस तरीका से आप चला दीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपका लाइनिंग मिट जाता है और आपका फ़ोटो बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ से बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको फटाफट से मतलब मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग धीरे से इसको बढ़िया से अप्लाई कीजिएगा, ओके। तो आपका फ़ोटो काफ़ी अच्छा यहाँ से बनने वाला है। यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी मैं फटाफट से कर ले रहा हूँ, ओके। तो मैंने इसको कर लिया, उसके बाद मेरा फ़ोटो जो बन चुका है यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे और इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे, ज़्यादा गोरा था तो इतना हम कर लिए। उसके बाद हम इस फोटो को ना शेयर करने वाले हैं टूल वाइज ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ से शेयर कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सेव टू डिवाइस करके सेव करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली इसको शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि टाइम बचे। तो ऐसे ही आपको शेयर करना है टूल वाइज ऐप के अंदर, टूल वाइज ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर टूल वाइज के अंदर इसको मैंने शेयर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखिए, आपका फ़ोटो यहाँ पर बन जाएगा फाइनल। तो ये चीज़ मैंने टूल वाइज के अंदर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको जाना है सबसे यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद सबसे यहाँ पे इन्हेंस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे शार्पन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले जनरल कर लेना है। जनरल करने के बाद यहाँ से हम राइट करेंगे, यहाँ पे आपको शार्प मिल गया फ़ोटो पे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे सॉफ्ट स्मज लिखा है ना इस पर क्लिक करना है, और आपको 6 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है आपको क्या चाहिए, चलिए मैं 5 ही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और क्लीन करने के बाद आपको ये अप्लाई वाला ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, और फटाफट से मैं अपने हेयर पे और अपने पट्टी पे और अपने जो बैकग्राउंड है इस सारे तरफ मैं इसको केवल अपने फेस को छोड़ दिया, ठीक है। बाकी जितना भी है सबको मैं यहाँ पे पेंट कर दिया, जिससे मेरे फेस पे मेरे फ़ोटो पे ना ऑयल पेंट इफेक्ट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, स्मूथ फ़ोटो लगेगा। तो ऐसे मैंने इसको ऑयल पेंट इफेक्ट दे लिया, लेकिन अभी भी मेरे दाढ़ी पे बच रहा है तो उसको भी मैं करूँगा। तो ऐसे मैं कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम राइट करेंगे। राइट करने के बाद आपको फिर से स्मॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब हम दो नंबर वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम क्लीन कर लेंगे। और फटाफट से मैं दाढ़ी वाढ़ी पे भी दे ले रहा हूँ, दाढ़ी हो गया, ठीक है। ये बीड जो है ना यहाँ पे मैंने इसको देना है, और आईब्रो है इस पर भी हम दे लेंगे, आईज पर भी हम इसको पेंट करने वाले हैं। बाकी जो बचा हुआ है सब जगह यहाँ से ही आपको पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑयल पेंट इफेक्ट मिल गया है आपके फेस पे, आपके बैकग्राउंड में। उसके बाद आपको एक सेटिंग और करना है, सिंपली यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है इन्हेंस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इन्हेंस का, इस पर आपको टैप करना है।
टैप करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे जो आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मैंने कौन सा अप्लाई किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ऐसे ही आप मतलब अप्लाई कर लीजिएगा ना, तो आपका फेस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो मैंने ये वाला डे वाला अप्लाई किया था, जिससे मेरे फोटो पे ना कुछ अलग सा ही इफेक्ट मिल गया था। और यहाँ से हम कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फोटो जो है फाइनली बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो को सेव करेंगे। एक चीज़ मैं नहीं बता पाया, जो आँख के अंदर जो लेंस मैंने लगाया था ना, वो मैं पिक्सार्ट के अंदर लगाया था, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, या फिर आप बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना भी दूंगा। और यहाँ पे एक PNG ऐड किया था जो रेड कलर से था, तो वो चीज़ मैं नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी अगर कमेंट कीजिएगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही, और इस फोटो को हम सेव करने वाले हैं। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो मेमोरी का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ना इसके एक्सपोर्ट क्वालिटी को ना पूरा फुल कर लेंगे, जिससे मेरा फोटो पूरा HD में सेव होगा। और यहाँ से सेव पे हम क्लिक कर देंगे तो मेरा फोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।